आपका कैसे आप लैंड डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट कैसे लैंड डिग्रेड हो रही है. तो व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? एनी नेगेटिव ट्रेंड इन लैंड कंडीशन कॉज्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज एक्सप्रेस्ड एज लॉन्ग टर्म रिडक्शन और लॉस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग. जो एक लैंड में जो तीन में से जो आपका चेंज आएगा उस उसके रेफरेंस में आप कहेंगे देयर इज डिग्रेडेशन. ओके, तो फर्स्ट इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. अगर किसी लैंड की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो यू विल से दैट देयर इज डिग्रेडेशन. और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, जैसे उसमें जो एक फूड वेब होता है हमारे इकोसिस्टम में, तो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, बहुत सारी स्पीसीज दे लिव टुगेदर, अगर वो चेंज हो रही है या वो आपकी खत्म हो रही है तो तब आप कहेंगे देयर इज लैंड डिग्रेडेशन. और इट इज वैल्यू टू ह्यूमंस डिक्रीज हो रही है, देन यू विल से दैट देयर इज डिग्रेडेशन इन द लैंड सिस्टम. तो लैंड डिग्रेडेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ द बायोफिजिकल एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड एंड इट इज व्यूड एज एनी चेंज और डिस्टर्बेंस टू द लैंड परसीव टू बी डिटोरियस और अनडिजायरेबल एंड द नेचुरल हैजर्ड जो आपके हैं जिसको हम कहते हैं आर एक्सक्लूडेड एज अ कॉज. लेकिन अब जो नेचुरल हैजर्ड आपके फ्लडिंग आपकी हो गई है, कोई आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या फिर आपका लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, उसको आप इसमें नहीं रखेंगे लैंड डिग्रेडेशन में. हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज के रेफरेंस में जो कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट फिनोमेना जैसे फ्लड, उसको फिर वहां पर आप रखेंगे. जैसे उनकी एक्टिविटीज से आपका बढ़ गया, मतलब नेचुरल हैजर्ड अगर हो रहा है उसमें नहीं रखेंगे. लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फ्लडिंग है वो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ रही है तो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. जैसे बुश फायर, जैसे फॉरेस्ट फायर है आपकी, तो वो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ रही है तो वो आपका क्या करेगी, डिग्रेडेशन करेगी लैंड. एंड दी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज द लैंड डिग्रेडेशन दैट अकर इन द फॉरेस्ट लैंड. जहां पर फॉरेस्ट है वहां पर अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. एंड डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड एंड इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेडेशन. इसीलिए हम क्या कहते हैं, बार बार प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टू फॉर द रेस्टोरेशन पर. And the land use changes and the unsustainable land management are the direct human cause of land degradation, with agriculture being a dominant sector driving degradation. तो जो agriculture land में भी जैसे हम कहते हैं ना fertilizer का use हम कर रहे हैं, chemical fertilizer, और जो unsustainably हम agriculture कर रहे हैं, उन सब की वजह से भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे land degrade होती जा रही है. And land degradation affect human in multiple ways. तो ये लैंड डिग्रेडेशन क्या करता है, बहुत तरह से आपको इफेक्ट करता है, इंटरेक्टिंग विद द सोशल पॉलिटिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट. बहुत सारे एस्पेक्ट को ह्यूमन बीइंग के इफेक्ट करेगा, जैसे मार्केट आपकी इफेक्ट होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इनइक्वलिटी आ जाएगी आपकी, और देयर इज डेमोग्राफिक चेंजेस ऑल्सो. क्योंकि जब आपका लैंड डिग्रेडेशन होगा तो पीपल स्टार्ट, जैसे ड्राउट हो जाता है कहीं तो पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो इट अफेक्ट डेमोग्राफी ऑफ द एरिया ऑल्सो. ठीक है, तो इट लैंड डिग्रेडेशन ऑल्सो इम्पैक्ट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एंड ऑल्सो द मैरीन एंड फ्रेश वाटर सिस्टम. अगर आपका लैंड में डिग्रेडेशन हो रहा है तो इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द लैंड बट इट विल ऑल्सो अफेक्ट द अदर एसोसिएटेड सिस्टम, जैसे रिवर सिस्टम. जैसे केमिकल फर्टिलाइजर अगर आपने इतना यूज किया एग्रीकल्चर में सो इट विल मूव विद रेन वाटर टू द रिवर सिस्टम, और वहां पर फिर वो आपका जो फिश है उनकी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा. इस तरह से जो आपके डिफरेंट है लोकल साइट का डिग्रेडेशन, इट विल बिकम मोर एंड मोर. सो अबाउट 36 टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कैन बी असेस्ड. जैसे आपका इरोजन, सिल्टिंग, एसिडिफिकेशन, सेलिनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड सो कॉज क्या है, वट इज आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. तो जैसे मैंने भी आपको बताया ह्यूमन इंड्यूस्ड है. जैसे आपने लैंड क्लियरेंस किया, आपने फॉरेस्ट को कट कर दिया, जैसे क्लियर कटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो लैंड डिग्रेड हो जाएगी. एग्रीकल्चर डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट थ्रू पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस. तो एग्रीकल्चर सिस्टम में जैसे अनसस्टेनेबल है तो इट विल ऑल्सो डिग्रेड द लैंड. लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग ओवर ग्रेजिंग. जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो प्लांट दे कैन नॉट ग्रो एंड अल्टीमेटली, और उनकी जो ट्रैम्पलिंग होती है
उससे भी आपकी लैंड डिग्रेड होती है। इन प्रपोर्शनेट इरीगेशन, अगर आपने इरीगेशन भी प्रॉपर नहीं किया, अगर ओवर कर दिया तो उससे भी आपका लैंड से जैसे न्यूट्रिएंट वगैरह वॉश आउट हो जाएंगे, और अगर कम किया है तो फिर ड्राउट वगैरह की प्रॉब्लम से है वैसे डिग्रेड हो जाएगी लैंड। तो इट इज ऑल्सो एंड द व्हीकल ऑफ रोडिंग, जो व्हीकल से भी आप देख रहे हैं कि जो उनकी वजह से भी लैंड जो है वो डिग्रेड होती है, तो बार बार टूट फूट या जो भी व्हीकल ऑफ रोडिंग है उनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। कैरिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड, ओर एंड मिनरल्स, तो जो आपने माइनिंग के बारे में आप सुनते हैं बार बार, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जैसे कहीं पर माइनिंग हो रही है तो इलीगल माइनिंग है, और इन जो आपकी अनसस्टेनेबल माइनिंग है उनकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होती है। एंड इंक्रीज इन फील्ड साइज ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ द स्केल एंड रिड्यूसिंग शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ एज हेज ग्रोथ एंड कॉर्पसेस डिसअपीयर्स। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने फील्ड का साइज बढ़ा दिया एग्रीकल्चर फील्ड का, तो यू डिस्ट्रक्टेड द फॉरेस्ट साइट्स। तो फॉरेस्ट साइट्स क्या है, केवल आपने ट्री को ही नहीं डिस्ट्रक्ट किया, यू ऑल्सो डिस्ट्रक्टेड द हैबिटेट ऑफ वेरियस द फौना विच इज द लिविंग इन दैट एरिया, तो उसको भी आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, धीरे धीरे आपकी कई चीजें डिसअपियर होंगी, तो एक आपने इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब कर दिया, जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसको भी आपने डिस्टर्ब किया, तो पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, अनसस्टेनेबल हो जाएगा। एंड एक्सपोजर ऑफ नेकेड सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग बाई हैवी इक्विपमेंट, जैसे आपने हैवी इक्विपमेंट यूज किए और जो सॉइल को एक्सपोज किया, देन ऑल्सो देयर इज लैंड डिग्रेडेशन। मोनोकल्चर डिस्टेबिलाइजिंग द लोकल सिस्टम, जैसे जो हम आजकल प्लांटेशन लगा रहे हैं मोनोकल्चर, तो धीरे धीरे उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इसीलिए उन पर कई सारी डिबेट भी होती है। द डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्रैश सच एज प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का जो बार बार आप सुनते होंगे कि जो है प्लास्टिक है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में डिग्रेड होता है, तो उनकी डैम्पिंग ऑफ करने से भी आपका धीरे धीरे जो गैस रिलीज होती है तो वो उस पूरे लैंड सिस्टम को डिग्रेड करती है। अन इन्वेजिव स्पीसीज जो एक करंट फीचर है, बिकॉज इन्वेजिव स्पीसीज दे स्प्रेड वेरी रैपिडली एंड दे डिस्ट्रक्ट द सॉइल एज वेल एज द लोकल वेजिटेशन, सो दे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लैंड। देन क्लाइमेट चेंज, आप देख रहे हैं इरेटिक रेनफॉल है, अभी आपने देखा कितनी ज्यादा बारिश हुई तो किस तरह से अक्टूबर के महीने में, तो जो एक आपका सिस्टम है मॉनसून पैटर्न है वो सारा डिस्ट्रक्ट हो गया, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उससे भी क्या हो रहा है कि लैंड, जैसे अब कहीं पर आपकी इतना इरेटिक रेनफॉल हो गया तो सारा फ्लड आ गया है, और उसके बाद कहीं पे हो नहीं रहा, तो उसकी वजह से आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एंड द लॉस ऑफ सॉइल कार्बन, धीरे धीरे जो सॉइल कार्बन हो रहा है उसकी सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल कम हो गया, तो लैंड तो सॉइल कार्बन इट आल्सो द गवर्न वेरियस प्रोसेसेस व्हिच आर व्हिच टेक्स प्लेस इन द सॉइल, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, तो वो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा, और उसके बाद आपकी प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, तो धीरे माइक्रोबियल जो प्रोसेसेस है वो और अदर जो आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इफेक्ट करेंगी, तो देयर इज अ चेन ऑफ द काइंड ऑफ चेन ऑफ प्रोसेस। तो क्लाइमेट चेंज में जो आपका है, जो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड ऑफ द इंटर गवर्नमेंट जो IPCC की है, तो उसमें कहा गया कि क्लाइमेट चेंज भी आपका एक मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन। उसमें कहा है क्लाइमेट चेंज दी एक्सेलरेट दी लैंड डिग्रेडेशन, बढ़ा देता है उसको, मतलब जो प्रोसेस है पर्टिकुलरली इन द लो लाइंग कोस्टल एरिया, रिवर डेल्टा, ड्राई लैंड इन दी एंड दी परमा फ्रॉस्ट एरिया, जैसे जो लो लाइंग कोस्टल एरिया, जैसे आपने सुना होगा जो फ्लड क्यों बढ़ गई आजकल, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे, तो सारा पानी रिवर्स के थ्रू आ रहा है, तो उसमें क्या हो जा रहा है कि रिवर ओवरफ्लो हो रही है, तो इट दे आर रिजल्टिंग इन दी फ्लड ऑफ इंडिया। तो इसमें ओवर द पीरियड 1961 से 2013 तक जो असेसमेंट हुआ, जो एनुअल एरिया ऑफ ड्राई लैंड इन ड्राउट हैज इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय स्लाइटली मोर देन 1% पर ईयर। अब आप सोच सकते हैं इसमें विथ लार्ज इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी, तो इंटर एनुअल जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है ईयर बाय ईयर, उसकी वजह से जो आपका ड्राउट का है वो इंक्रीज हो गया, सोचिए 1% पर ईयर, तो ये आपका डिग्रेड करेगा। तो दिस इज द फ्लो चार्ट विच इज शोइंग, जो मैंने अभी आपको बता दिया, द वेरियस
जो आपके इफेक्ट है, जैसे वाटर इरोजन है, तो ये वो इतना आपका जो वेरियस प्रोसेस है उस तरह से इसको करिएगा। जैसे वाटर इरोजन है वो आपका जैसे लॉस ऑफ टॉप सॉइल, न्यूट्रिएंट लॉस, टेरिन डिफॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मैटर डिप्लीशन, एसिडिफिकेशन एंड सॉइल पॉल्यूशन को कॉज करेगा वाटर इरोजन अगर हो रहा है, मतलब वाटर के थ्रू इरोजन। और जब फिजिकल डिग्रेडेशन होगा, जैसे आपका टेरिन डिफॉर्मेशन है, अगेन सॉइल पॉल्यूशन है, सॉइल कॉम्पैक्टेशन हो जाएगा उसकी वजह से, ओवर ब्लोइंग हो रही है, सब सब डेंस है, सेलिनाइजेशन वगैरह जो आपकी प्रोसेस है ये हो रही है फिजिकल डिग्रेडेशन। फिर विंड इरोजन के थ्रू आपका जैसे ओवर ब्लोइंग है, सब्सिडेंस, ये इसकी वजह से हो रही है। देन केमिकल डिग्रेडेशन हो रहा, न्यूट्रिएंट लॉस और आपका ऑर्गेनिक मैटर डिप्लीशन, एसिडिफिकेशन, एयर सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल कॉम्पैक्टेशन। तो ये वेरियस जो प्रोसेस है ये उनका इफेक्ट को शो कर रहा है। और देयर जैसे कॉजेस हैं उनकी वजह से कितना सारा जो एरिया, ये दिखा रहा है कि कितना इंडिया के रेफरेंस में, तो एरिया जो मिलियन हेक्टेयर के फॉर्म में इसमें दिखाया है, एंड जो आपका इसकी वजह से टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, जैसे जो रेड वाला है, जो ये ब्लू तो दिखा रहा है कि कितना एरिया जैसे वाटर इरोजन से इफेक्ट हुआ, और ये कितना परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया शो कर रहा है। तो आप देखिए वाटर इरोजन से मैक्सिमम हुआ है, जो आपका लॉ हर बार जो होता है जैसे फ्लडिंग वगैरह से आप देखते हैं, और जो डिग्रेडेड जो आपका फॉरेस्ट लैंड है, ये देखिए दो तीन सबसे ज्यादा इसी में हो रहा है। और विंड इरोजन, वाटर इरोजन, विंड इरोजन एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, तो बाकी भी है लेकिन और कम है, बट ये जो तीन फैक्टर है वो सबसे ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। तो लैंड हैजर्ड रिलेटेड हैजर्ड एंड मिटिगेशन, तो उसके लिए आपकी ये फ्लो चार्ट आपको शो कर रहा है कि कैसे आपको मेजर करना है जो आपका लैंड डिग्रेडेशन है, देन यू हैव टू गो फॉर मिटिगेशन। तो दे आपको देखना पहले टोपोग्राफिकल मैप देखेंगे, जो जियोलॉजिकल मैप, लैंड यूज मैप के थ्रू जाके आप उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले, और उसके बाद आप रेट करेंगे कि जो आपका असाइनमेंट है उसके बाद सम करके तब आप डिसाइड करेंगे कि कितना आपका डैमेज हुआ या डिग्रेडेशन हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको करना है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है कि टू रीस्टोर द सिस्टम, उसको मिटिगेट माने कम करना है आपको, कोई भी चीज का जो इफेक्ट है, जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो कैसे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी अप्रोचेस टू लैंड एंड वेजिटेशन रिहेबिलिटेशन, एंड दीज डिपेंड ऑन सीवियरिटी ऑफ डैमेज टू द लैंड रिसोर्सेज, द गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर रिपेयरिंग द डैमेज एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ डिग्रेडेड लैंड इम्प्लाइज रेस्टोरेशन और द रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन, एंड देयर आर वेरियस गाइडलाइंस ऑफ जो IUCN है उसने दी है रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इको सिस्टम, एंड दे डिफाइन दैट रेस्टोरेशन एज प्रोसेस ब्रिंगिंग अ डिग्रेडेड इकोसिस्टम और लैंडस्केप बैक टू द सेम प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्टिव कंडीशन इन शॉर्ट प्रोसेस ऑफ रिवाइटलाइजेशन, मतलब वापस से आपको सिस्टम को लाना है उस जो भी इफेक्ट हुआ है उसको मिनिमाइज करते हुए। ठीक है, तो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, अब जैसे डिफरेंट जो आपके तीन टर्म हम यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेशन, रिक्लेमेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन जो है ये ऐसी प्रोसेस है विच जैसे परसिस्टेंस ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल रिक्रूटमेंट, रीस्टोर करना है ना आपको, तो नेचुरल थ्रू नेचुरल रिक्रूटमेंट एंड सर्वाइवल आप करेंगे, जैसे जो जो फंक्शनिंग फूड है उनको आप प्रोटेक्ट कर देंगे, जो आपका नेचुरल रीजनराइजेशन हो रहा है उसको आप कहना चाहिए कि एक्सलरेट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, क्यों देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको चेक कर रहे हैं, तो उसको आप बैरियर्स को हटाएंगे तो उससे आपका क्या होगा, रीस्टोर हो जाएगा सिस्टम। एंड जैसे आपके न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन के थ्रू वेरियस रिलेशनशिप अमंग प्लांट एनिमल एंड रिट्रीवर कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करेंगे सो दैट दिस इकोसिस्टम कैन रीस्टोर। अच्छा, रिक्लेमेशन जो आपका है वो दूसरा टर्म है, इन दिस प्रोसेस द साइट विल बी सिमिलर इन इकोलॉजिकल फंक्शनिंग आफ्टर डिस्टरबेंस एंड विल बी हैबिटेबल बाय सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली द सेम ऑर्गेनिज्म। तो रिक्लेमेशन माने उसमें आप उन स्पीसीज, वही स्पीसीज नहीं है लेकिन उसी ग्रुप की स्पीसीज को आप वहां पर फिर से इस्टेब्लिश करें, तो रिक्लेम करेंगे, मतलब जिसको कहते हैं रिक्लेमेशन। एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि लैंड विल बी मेड यूजफुल बट विद डिफरेंट लैंड यूज,
रिहेबिलिटेशन माने फिर से आप चेंज कर देंगे, लैंड यूज को ही चेंज कर देंगे, लेकिन उसको आप फिर से वापस उसकी जो ओरिजिनल प्रोडक्टिव स्टेज थी उसमें लेकर के आएंगे और डिफरेंट स्पीसीज को आप यूज करेंगे, है ना। एंड उसके लिए ताकि आप जो जो सॉइल का जो केस होता है सम, उसके केस में बहुत रिहेबिलिटेशन तब किया जाता है जब बहुत सारा डैमेज हो गया लैंड को, ठीक है। तो अब इसमें आपका जैसे लैंड स्लिप्स एंड लैंड स्लाइड्स, तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो कॉमन जैसे लैंड स्लिप है, छोटा सा पोर्शन आपका गिर गया यहाँ पर लैंड का, तो ये हम कहते हैं लैंड स्लिप हो गई। ये है लैंड स्लाइड, ये दो अलग अलग फीचर के मैसिव जब ट्रांसफर होता है सॉइल का। तो लैंड स्लिप इज अ स्लाइडिंग ऑफ अ मास ऑफ लैंड डाउन अ स्लोप और क्लिफ। जैसे यहाँ पर एक स्लोप था तो किसी से कारण से क्या हो गया आपका लैंड स्लिप हो गया, मतलब एक मूवमेंट हो गया उसमें। और जो लैंडस्लाइड है वो एक नेचुरल डिजास्टर है विच इन्वॉल्व्स द ब्रेकअप एंड डाउनहिल फ्लो ऑफ रॉक्स। उसमें बहुत सारा फ्लो होगा मटेरियल का, रॉक्स मड वाटर एंड एनीथिंग कॉट इन द पाथ, जो भी उसके रास्ते में आएगा, चाहे वो आपके मकान है, कुछ भी है, इंडस्ट्री, जो भी पड़ेगा वो उसको सारा अपने साथ लेता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास मूव करेगा, रॉक और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको तोड़ता हुआ चला जाएगा। ये आपने देखा होगा लैंडस्लाइड में, एक बड़ा पोर्शन जो है वो मूव कर जाता है, और लैंडस्लिप एक छोटा सा पोर्शन जो आपका है, इसमें आप देख रहे हैं जैसे छोटा छोटा थोड़ा बहुत सॉइल जो यहाँ की है ये नीचे को सरक गई इसकी। एंड लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टरबेंस इन द नेचुरल स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। जो नेचुरल स्टेबिलिटी है स्लोप की, उसको जब आप डिस्टर्ब करते हैं किसी कारण से, जैसे आजकल आप देख रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है जगह जगह, तो उसकी वजह से जो नेचुरल स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो धीरे बहुत सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। एंड दे कैन एकम्पनी हैवी रेन और फॉलो ड्राउट्स। कई बार क्या होता है, हैवी रेनफॉल की वजह से हो जाता है, कई बार अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा जो है वो उनकी वजह से मैसिव लैंडस्लाइड होता है। And mudslides develop when water rapidly accumulate in the ground and result in a surge of water saturated rock, earth and debris. तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी वहां का पर आपका जमा हो जाता है, वो absorb करता है, उसके बाद जैसे धूप निकलती है तो वो slip कर जाता है नीचे। And the impact of landslide can be extensive, बहुत बड़ा होता है, including loss of life, जैसे अभी आपने देखा डिस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे बादल फट गए, कई कई आप देख रहे हैं इस बीच उत्तराखंड में ही कितने सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज ऑफ टू लैंड एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड द लैंडस्लाइड मटीरियल कैन ऑल्सो ब्लॉक रिवर एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द डिस्टर्बेंस। जैसे अभी आप देख रहे थे कि जो हमारे नैनीताल में हुआ है ठंडी सड़क में, तो उसने पूरी रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ है इतने महीनों से, तो इस तरह से ये आपका डिस्टर्ब करता है। फिर आपका जो नेचुरल डिजास्टर में अपना, जैसे आपका अर्थक्वेक आपके आते हैं, तो अर्थक्वेक आपके आते हैं कि जो प्लेट्स हमारी है अंदर उसमें, उसमें जो मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से जो फॉल्ट है उस एरियाज में, तो एक बहुत तेजी से आपका वाइब्रेशन, जब वो प्लेट्स टकराती हैं तो उसकी वजह से तेज वाइब्रेशन जो होता है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं इपी सेंटर ये था इसका, है ना, जो आप करते हैं कि इतना इंटेंसिटी का जो मेजर करने के बाद, तो ये जो फॉल्ट है इसकी वजह से देखिए जो वेव्स बन रही है ऐसे, यहाँ पे सेंटर है तो इसकी वजह से हाइपर सेंटर, कई सारे इसके फीचर हैं, जैसे अर्थ ही है तो क्रस्ट है अर्थ की, एंड दी वेव्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स जो ये हैं आपकी, ये आपकी क्या करेंगी, टकराएंगी। तो इसमें आप देखिए, तो जहां पर आपका इस तरह से इसकी जो इंटेंसिटी को आप जब मेजर करेंगे तो उससे ये आपका धीरे धीरे होगी, जैसे इधर को ग्रेट हो रही है जहां पर उसकी प्लेट्स की तरफ, जहां पर ज्यादा मूवमेंट होगा तो जो सेंटर इपी सेंटर जो हम कहते हैं, तो उसकी वजह से जैसे जैसे सेंटर से जो जी इतनी दूर होगी, पास होगी, उसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती जाएगी। तो इसके अलावा एक ड्राउट है, जैसे आपका ड्राउट, ये जो पिक्चर है आपका शो कर रही है, ड्राउट क्या होता है कि इट इज लॉस ऑफ वाटर। जब आपका जो इनसफिशियंट अमाउंट में आपका वाटर इज प्रेजेंट टू सस्टेन द लाइफ, लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपके पास वाटर नहीं है, तो उस केस में हम कहते हैं ड्राउट हो गया। ये देखो पूरा मिट्टी पूरी सूख के फट गई लैंड। तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे जो आपका ड्राउट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस हम कह रहे हैं, जैसे एक तो हो गया आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो इसमें आ रहा है, ठीक है,
और एक आपका जो फिर हो गया मेट्रोलॉजिकल डाउट। तो मेट्रोलॉजिकल जैसे जैसे आपका है कि लो रेनफॉल आपकी हुई अगर आपकी, तो वो उससे क्या होगा, मेट्रोलॉजिकल डाउट आपका हो गया। और हाइड्रोलॉजिकल जो आपका है, जो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स हैं, तो जैसे इट हैज अ लो वाटर डोन हो रहा है धीरे धीरे लेक, और उसमें वाटर की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से जो साइकिल है वो इफेक्ट हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और जो एग्रीकल्चरल जो आपका ड्राउट है, उसमें जो क्या होगा, जो सॉइल वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये सारे फैक्टर्स आपके हैं, किस लिए हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट हो रहा है आपका, क्यों आपका क्यों हो रहा है, जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और जो आपका जो चेंज इन दी वाटर पैटर्न है, जो वाटर रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, और जो लैंड यूज चेंज हो रहा है, वाटर सप्लाई कम हो रही है, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर की जो एक नेचुरल जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो इफेक्ट हो रहा है। और वाटर जो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका रेनफॉल पैटर्न है, मॉनसून पैटर्न है, वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उनकी वजह से हमारा किसी एरिया में तो इतना वाटर हो जा रहा है, जो इन इन इरेटिक रेनफॉल हम कहते हैं, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न जो कुछ सालों से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो वहां कई पोर्शन में हो ही नहीं रही है रेनफॉल, तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपका ड्राउट की प्रोसेस हो रही है। तो ये ऑल आर दी नेचुरल जो हैजर्ड्स हैं, जो लैंड डिग्रेडेशन के कारण है, जो हमने देखे इसमें। अब इसके अलावा अब क्या होता है, वेस्ट लैंड। तो वेस्ट लैंड जैसे अब नाम भी बता रहा है, वेस्ट लैंड माने जो कुछ काम की नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड, वेस्ट लैंड इज दैट लैंड विच इज डिग्रेडेड एंड इज प्रेजेंटली लाइंग अनयूटिलाइज्ड एक्सेप्ट एज करेंट फेलो एंड ड्यू टू डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। तो कई कारणों से वो लैंड जो है वो आपकी अनयूटिलाइज्ड है, तो उसको हम कह देते हैं वेस्ट लैंड। एंड एज पर रिपोर्ट ऑफ दी टेक्निकल टास्क ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, द वेस्ट लैंड आर द डिग्रेडेड लैंड विच कैन बी ब्रॉट अंडर वेजिटेटिव कवर विथ रीजनेबल एफर्ट एंड विच आर करेंटली अंडर यूटिलाइज एंड लैंड विच इज डिटीरियोरेटिंग फॉर लैक ऑफ अप्रोप्रिएट वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट और ऑन दी अकाउंट ऑफ नेचुरल कॉजेस। तो किसी भी कारण से वेस्ट लैंड माने विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। आपको मतलब एक जो जिस्ट जो उसका हुआ कि जो भी लैंड वेस्ट लैंड हम उसको कहेंगे कि वो हम विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एट प्रेजेंट। और देयर आर वेरियस कॉज विच फॉर विच दी लैंड्स आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो वो अब क्या होता है, क्योंकि यूज ही नहीं हो रही है तो डिग्रेडेड होती है, अनयूज्ड अनकल्टीवेटेड एंड कॉमन लैंड जैसे होंगी, जैसे लैंड विच आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड जिनको हम कहते हैं, अनकल्चरेबल वेस्ट, और दी अदर अनकल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो कल्चरेबल वेस्ट एंड परमानेंट पास्चर एंड लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड दी फैलो अंडर वेस्ट लैंड। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो उसमें आती है। तो एग्रीकल्चर लैंड विच इज लाइंग फेलो फॉर मोर देन 2 ईयर कैन बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चर वेस्ट लैंड एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इट इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड इट इज लाइंग बैरन कैन बी टर्म्ड एज रेवेन्यू वेस्ट लैंड। और ऐसी जो आपकी ग्रास लैंड है और जो अंडर दी लैंड जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती है, विच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एंड लाइंग बैरन, दे आर टर्म्ड एज फॉरेस्ट वेस्ट लैंड। जो आप फॉरेस्ट में वेस्ट नहीं हो रही उनको अपने का वेस्ट लैंड है यूज नहीं हो रही, फॉरेस्ट वेस्ट लैंड। और जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है जो आपने छोड़ दी किसी कारण से, यूज नहीं हो रही है एग्रीकल्चर के लिए 2 साल से ज्यादा हो गया, उसको आपने कह दिया रेवेन्यू वेस्ट लैंड। तो ये दीज आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वेस्ट लैंड इट इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो नासा है उसने एस्टिमेट किया था कि जो वेस्ट लैंड एट 16.21% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, इतनी हमारी वेस्ट लैंड है। ऑफ दिस 16.74% इज कल्चरेबल एंड रेस्ट 4.4% इज अनकल्चरेबल। एंड दी मैक्सिमम वेस्ट लैंड आर प्रेजेंट इन दी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें देखिए कल्चरेबल है जो आपकी जो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की लैंड है जो विच कैन बी कल्चरेबल, मानी आप उसमें कल्चर कर सकते हैं अगर थोड़ा एफर्ट करें। और जो अनकल्चरेबल है
तो वो जैसे रॉकी एरियाज हैं, तो वहां पे आप कैसे कल्चर करेंगे? तो स्टीप, बिल्कुल स्टीप स्टीपी एरिया जो होते हैं जिसमें वाटर रहता ही नहीं है, तो वो उसमें भी आपका ऐसी एग्रीकल्चर और ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हो नहीं सकती. और जो स्नो कवर्ड और जो ग्लेशियर लैंड है, वो भी आपकी जो उसमें भी आपका कल्चर नहीं, आप मतलब कुछ भी यूज उसमें आप नहीं कर सकते. तो ऑल दीज आर द अनकल्टिवेबल, और जिनमें आप किसी कारण से नहीं हो रहा है, बट यू कैन कल्टिवेट देम इन द फ्यूचर. एंड अगेन दिस इज दिस स्लाइड इज शोइंग हाउ मच एरिया इज अंडर ईच कैटेगरी ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया एंड द रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड. आप देख रहे हैं, वैसे मैंने आपको बताया कि टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप. सो दे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, इट इज जो आप कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस एंड अदर द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, एफॉरेस्टेशन जिनको हम कहते हैं, तो वो सारी जो प्रोसेस है आपकी, वो देखिए आपकी पहले ये वेस्ट लैंड थी ऐसे बिल्कुल पूरी, किसी कुछ काम नहीं थी. अब धीरे धीरे इसमें इतना ये कई सालों के बाद इट इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप. एंड हियर ऑल्सो इट इज अ वेस्ट लैंड and it is a dry type of wasteland, and here you see after the restoration it is regaining its original shape. मतलब कुछ cultivation के बाद वो आपका original shape नहीं भी है, हो सकता है वैसे wasteland हो, but उसको develop किया जा सकता है आपकी जो किसी भी productive land. तो आप देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद जो wasteland है वो आपकी productive form में लौट रही है धीरे धीरे. और जो अदर टर्म हम इसके लिए जो यूज करते हैं, लैंड हस्बेंड्री, तो वो भी आपकी एक प्रोसेस है. इट इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग प्रिफर्ड सिस्टम ऑफ लैंड यूज एंड प्रोडक्शन इन सच अ वे दैट देयर विल बी इंक्रीज और एट वर्स्ट नो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. माने एनिमल हस्बेंड सॉरी लैंड हस्बेंड्री क्या है कि वो सारी प्रोसेसेस जिसके थ्रू आप किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और या एटलीस्ट आप उसका लॉस को चेक कर सकते हैं. तो इट इज कॉल्ड द एनिमल बार बार बोलूं लैंड हस्बेंड्री, द स्टेबिलिटी और द यूजफुलनेस फॉर द चूजन पर्पस. किस चीज के लिए आप उसको चूज कर रहे हैं उस लैंड को, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे. और इन पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जिस्टिंग यूज और द मैनेजमेंट में नीड टू बी चेंज so as to halt rapid degradation and to return to land to a condition where good husbandry can be fullest effort. ठीक है, तो ये इन्होंने टर्म यूज किया था. तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो यूज जो एग्जिस्टिंग यूज और मैनेजमेंट है उसको आप चेंज, अगर आपको लग रहा है कि ये धीरे धीरे सिस्टम को डिग्रेड कर रहा है, तो उसको आप चेंज करके आप ऐसा करेंगे कि एक तो आप रैपिड डिग्रेडेशन को चेक करेंगे और जो लैंड की कंडीशन है उसको फिर आप रिज्यूम करेंगे, तो जिससे कि आप प्रोडक्टिविटी उस लैंड की बढ़ा सकते हैं. उसको हम कहते हैं लैंड हस्बेंड्री. एंड जी टोपोग्राफिक कैचमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज की फिजिकल फीचर्स ऑन टू विच लैंड यूजेस आर इम्पोज्ड. तो जो टोपोग्राफिकल फीचर्स आपको लेना है उसके लिए जो भी आप मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज करेंगे, तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो है उस कैचमेंट के, उसको देखते हुए करेंगे. एंड दी लैंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज बी बेस्ड ऑन दी कंसिडरिंग सॉइल एज अ लिविंग मैट्रिक्स, जो आपके उसको आपने इम्प्रूव करना है. तो इसमें आप देखिए लैंड वही जो पहले मैंने रेस्टोरेशन का आपको बताया, पहले ये ऐसा था जो डिग्रेड हो रहा था, इसकी प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया गया, इसमें आपका ऐसे था, तो ये आपका जो इसमें आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट नाउ इट इज इन अ गुड कंडीशन. और ये आपका फिर धीरे धीरे कोई लैंड को उन्होंने कन्वर्ट करके जो वेस्ट लैंड थी उसको आपने प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज करी है. तो ये प्रोडक्टिविटी ये ऑल्सो भी पार्ट ऑफ रेस्टोरेशन है. फिर एक आपका हो गया सॉइल एमिलोरेशन. सॉइल एमिलोरेशन जो टर्म यूज होता है वो आपका होता है इम्प्रूवमेंट इन सॉइल स्ट्रक्चर थ्रू द मैकेनिकल इनपुट विद द प्राइमरी एम ऑफ इम्प्रूविंग एयर एंड वाटर बैलेंस बिटवीन द सॉइल. माने सॉइल जो आपकी जो हम कहते हैं डिटियोरेट हो गई उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको हमने रीगेन करना है. मतलब एमिलोरेट माने उसको ठीक करना है, वापस से उसको अच्छे फॉर्म में मतलब गुड कंडीशन में लेकर के आना है हमने सॉइल को.
एंड यदि अप्रोचेस जो हम यूज करते हैं उसमें जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन ऑफ सॉइल अमेंडमेंट, कई सारे जैसे सॉइल अमेंडमेंट करते हैं, जैसे उसमें एडिशन करते हैं, लाइम ऐड करते हैं जैसे कैल्सियम का सोर्स है, डोलोमाइट, जिप्सम, ऑर्गेनिक मैटर और क्ले रिच सब सॉइल, और द यूज ऑफ डीप टिलेज और ऑफन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू, जो आप इसमें से जो है उनको कंबाइन करके भी एमिलियोरेट कर सकते हैं. And the use of heavy construction machinery or the improper treatment of soil often result in soil compaction. जैसे trampling हो रही है और कोई heavy construction machinery आपने use की तो उससे क्या होता है, soil compact हो जाती है. तो compact हो जाती है तो उससे क्या होगा, soil के बीच का जो space है वो कम हो जाएगा, जो air space है वो compact हो जाता है, तो उसमें air आपकी अवेलेबल नहीं होती, जो सॉइल एयर होती है. उसके अलावा भी जो कॉम्पैक्ट सॉइल हो जाती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो उसको वाटर को रिटेन नहीं कर सकती है, तो उसमें पानी मतलब इनफिल्ट्रेट ही नहीं होगा. इतनी कॉम्पैक्ट होगी तो सरफेस रन ऑफ हो जाएगा, पानी इनफिल्ट्रेट ही नहीं होगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी. तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ता है कि जो इसलिए जो उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, जो आपका कॉम्पैक्टेशन है ये फिजिकल करेक्टर होता है, तो उसको हम कहते हैं, इसलिए जो हम एमिलियोरेट करेंगे फिजिकल सॉइल एमिलियोरेशन. एंड इट इज प्राइमरीली हम जैसे मैंने आपको बताया एयर एंड वाटर बैलेंस जो सॉइल का है उसको रीगेन करना है. एंड जो उसमें एरिएशन के लिए आपने उसको जैसे सॉइल को फिर से हल्का करेंगे, तोड़ के ठीक से मिक्स करेंगे, तो यू इंक्रीज द एरिएशन इन द सॉइल. और जो सॉइल जैसे सबस्टेशन अदर जो प्रॉपर्टी जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, आपका न्यूट्रिएंट लॉस हो गया है तो उसको अगर आपने रीस्टोर करना है उसको हम कहेंगे केमिकल सॉइल एमिलियोरेशन. उनको सॉइल का जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप रीस्टेट कर रहे हैं. एंड जैसे हमने आपने किया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉइल पीएच एंड द ऑप्टिमाइजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस विच आर रिजल्टिंग इन द सेलिनाइजेशन और द कंटामिनेशन. उनकी वजह से यू मॉडिफाई द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. ठीक, ये वेरियस एग्जाम्पल है एमिलियोरेशन टेक्नोलॉजी. जैसे आजकल आपने सुना होगा बायोचार, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ एमिलियोरेटिंग सबस्टेंस. तो इसको बायोचार को जब सॉइल में ऐड करते हैं तो इट इंक्रीज एरिएशन, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इट इज यूटिलाइज्ड. हेयर ऑल्सो वी आर चेंजिंग द सॉइल प्रॉपर्टी. यहाँ पर आप देखिए अगर ज्यादा आपका जो आपका डैमेज हो गया है तो उसकी कॉम्पैक्टेशन और उसकी वजह से आप देखिए पहले आपने ए जैसे डिफरेंट होरिजन में आपकी सॉइल बटी होती है ए बी सी ऐसे करके, तो जो ए होरिजन है मतलब जो आपकी सरफेस सॉइल है आपने उसको अनकवर किया, आपने उसको खोद के मतलब अनकवर किया और उसके बीच में जो ऐसे फरो जैसी बनी है उसमें आप क्या करेंगे मटेरियल जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो भी मल्चिंग मटेरियल या जैसे बायोचार और ये एक्सेट्रा आप इसमें ऐड करेंगे. उसके बाद आप उसको बी होरिजन और इसको मिक्स कर देंगे और फिर से आप उसको क्या करेंगे कवर करके वापस से ए होरिजन को एस्टेब्लिश कर देंगे. तो इन द कमिंग टाइम इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट. तो धीरे धीरे मतलब नहीं भी करेगी ओरिजिनल स्टेट तो इट विल इम्प्रूव साइमल्टेनियसली. ये तो सारा आपका था लैंड रिसोर्सेज और उससे रिलेटेड और मिनरल रिसोर्सेज. अब एक आपका है वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज जैसे आप सब जानते हैं कि वाटर इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ. Human can live for more than a month without food, but we can live only for a few days without water. So it is so important for us. And there are two kinds of water, as you all know, fresh water or the pure water. The water that people can drink contain little salt. इसमें बहुत कम salt होता है, so it is called fresh water. Another one is saline water or salt water. The water which is present in ocean contains higher concentration of dissolved salt. और मोस्ट ऑफ द जो हमारा ह्यूमन यूज है जैसे ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए और भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हमको चाहिए होता है, हमको फ्रेश वाटर चाहिए होता है ह्यूमन बीइंग को. एंड दे आर द वाटर रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर दैट आर पोटेंशियली यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. ठीक है, वाटर सप्लाई का सोर्स है. एंड द 97% ऑफ वाटर ऑन द Earth is salt water and only 3% is fresh water.
एंड स्लाइटली ओवर 2/3 ऑफ दिस, उसका भी जो 3% है उसका भी 2/3 पोर्शन किस फॉर्म में है, फ्रोजन फॉर्म में एज ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स. एंड द रिमेनिंग अनफ्रोजन फ्रेश वाटर इज फाउंड मेनली एज ग्राउंड वाटर विथ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन प्रेजेंट अबव ग्राउंड और इन द एयर, जो एयर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा. And the natural sources of fresh water include surface water, under river flow, ground water and frozen water. And the artificial sources of fresh water can include the treated water, waste water treatment, which is reclaimed. जैसे आपने देखा होगा कई countries में वही water को बार बार treatment के बाद use किया जाता है. And the desalinated water, sea water, उसको आपने उसको salty effect को घटा के आपने कम करके उसको usable बनाना, which is also called the artificial source of fresh water. And the uses of water, agriculture, industries, household, recreation and environmental activities में आप use करते हैं water को. And the water sources are under threat. At present, you all know that they are under threat from water scarcity, water pollution, water conflict, and climate change. And fresh water, it is a renewable resource. Yet the world supply of groundwater is steadily decreasing. तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं natural springs हमारे जितने हैं वो धीरे धीरे dry होते जा रहे हैं और उनमें कई जो हैं भी तो उनमें water का जो quantity है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. ठीक है. And the framework for allocating water resources to water user, where such a framework exists, is known as water rights, जो उसके लिए है use करने के लिए. And the utilization में आप देखिए water का क्या क्या use कर रहे हैं. Agriculture and other irrigation में purposes के लिए आप use करते हैं. तो about 70% of worldwide water is used for irrigation. And 15-35% irrigation water, it is unsustainable use जो है. And but 2,000-3,000 liter water जो आपका है, it is required to produce enough food to satisfy 1 person's daily diet. इतना water हमें चाहिए. Industries में use होता है, तो 22% आपका industries में use हो रहा है various purposes के लिए, जैसे जो hydroelectric dams हैं, thermoelectric power plants हैं, जिसमें cooling के लिए, ore and water जो oil refineries हैं, जिनमें आपका chemical processes के लिए water use होता है, and जो different manufacturing plants हैं, वहाँ पर आपका use होता है कि जिसमें water as a solvent आप use करते हैं. ठीक है. तो वो जो वाटर विड्रॉल है आपका इंडस्ट्री में वो भी आपका ज्यादा है, लेकिन इट इज लेस देन द एग्रीकल्चर. ड्रिंकिंग वाटर एंड डोमेस्टिक यूज, तो 8% ऑफ वर्ल्ड वाइड वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, जैसे ड्रिंकिंग है, वाटर, बाथिंग, कुकिंग, टॉयलेट फ्लशिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड गार्डनिंग एक्सेट्रा, घर में जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है. तो एक जो पीटर ग्लिंक ने कहा कि अबाउट 50 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे कंजम्पशन होता है, एक्सक्लूडिंग वाटर फॉर गार्डन्स. एंड एनवायरमेंट में है, जो एनवायरमेंट वाटर इज वेरी स्मॉल बट इट इज अ ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर यूज, जैसे वाटरिंग ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेटलैंड्स, आर्टिफिशियल लेक्स एंड इंटेंडेड टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, फिश लैडर्स एंड वाटर विच इज रिलीज फ्रॉम रिजर्वायर टाइम टू हेल्प द फिश स्वान और अदर जो यूजेस हैं उसमें यूज होता है. और रिक्रिएशन के लिए जैसे आपके पॉन्ड बनाए गए हैं जगह जगह और वाटर रिजर्वायर इज केप्ट, उसको बनाने के लिए रिक्रिएशन पर्पज के लिए मेंटेन करने को चाहिए होता है. एंड जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपका है, इसमें एक जो मेन जो कंफ्लिक्ट वाला पार्ट है, दैट इज डैम्स जो बनाए जा रहे हैं जगह जगह. तो डैम इज अ स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम टू होल्ड बैक वाटर, पानी को, जैसे आप देख रहे हैं टिहरी डैम का एग्जाम्पल है उत्तराखंड का, और ये आपका एक कॉमन जो डैम बनाया जाता है उसका शो कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अ डैम. तो दे यूज डिफरेंट मटेरियल टू बिल्ड डैम्स ओवर द सेंचुरीज, कई समय से बना रहे हैं. तो जो आपके एंशियंट डैम बिल्डर्स हैं, दे यूज नेचुरल मटेरियल सच एज रॉक्स और क्ले, और मॉडर्न डे में जो आपका डैम बिल्डिंग है ये यूज कॉन्क्रीट, उसको यूज किया जाता है. जो मैन मेड डैम्स, दे क्रिएट आर्टिफिशियल लेक्स एंड दे आर कॉल्ड रिजर्वायर, जैसे इसमें आप देखिए जो पानी भागीरथी का रोक के बनाया गया था, तो ये आपका वाटर है, यहाँ पर ये आपका बना हुआ है डैम, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपका वाटर रिजर्वायर है, यहाँ से पानी नीचे को जैसे इस तरह से है
ये शो कर रहा है कि जैसे पानी नीचे को जाते हैं। तो ये यूज करते हैं जो पानी को रोकने के लिए करते हैं, स्टोर वाटर, एंड इट आल्सो दो इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लडिंग एंड इट आल्सो यूटिलाइज इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। एंड जैसे आप इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, और जो पानी है उसको नियर बाय टाउन्स एंड ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ, जैसे जो आपका उसको फ्लड को करेगा, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन अराउंड द एरिया। ठीक, बट देयर आर सर्टेन दी इसके जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे अगर आपका डैम कभी डैमेज हो गया या किसी कारण से, तो इट कैन रिजल्ट इन टू अ ग्रेट डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, देखिए इसको फिर आप यूज कर सकते हैं वेरियस पर्पस के लिए। तो दिस इज अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ अ डैम। तो हियर यू कैन सी दिस इज द वाटर रिजर्वायर, जहां पर वाटर को चेक कर दिया गया है, रोक के, जैसे कोई नदी आ रही है यहाँ से तो उसको रोक के यहाँ पर जमा कर दिया। तो इसके वाटर को फिर आप देखिए डिफरेंट पर्पस के लिए कैसे कैसे यूज किया जाता है डैम के, उसको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जो बनती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो कई तरह के यूज हो रहा है डैम का वाटर। देन दी वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका है वॉटरशेड मैनेजमेंट, वॉटरशेड मैनेजमेंट है। तो वॉटरशेड इज एन एरिया दैट ड्रेन्स टू अ कॉमन बॉडी ऑफ वॉटर, जैसे नैनीताल का हम कहते हैं वॉटरशेड। तो जो एक कॉमन बॉडी को सस्टेन करेगा वॉटर की, उसको हम कहते हैं वो उसका वॉटरशेड है। वॉटरशेड मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ द रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वॉटरशेड एम्ड एट द सस्टेनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट टू सस्टेन एंड एनहेंस द वॉटरशेड फंक्शंस दैट अफेक्ट द प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिटीज विद इन द वॉटरशेड बाउंड्री। ये आप देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे इसको आप देखेंगे तो ये एक कॉमन क्या आ रहा है पूरा, जैसे ये पूरा एक, इसको हम कहेंगे वॉटरशेड। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्नो पीक्स हैं, ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो ऑल द वॉटर इट इज रनिंग एंड इट इज गिविंग राइज टू दिस रिवर हियर। ये जो चैनल्स आ रहे हैं यहाँ से, फिर यही रेन वाटर और प्रेसिपिटेशन आपका फॉरेस्ट में गया, यहाँ से फिर जो सरफेस रन ऑफ हो रहा है वो भी सारा चैनल के फॉर्म में, यानी फ्रॉम हियर ऑल्सो इट ऑल एक्यूमुलेटिंग एट द रिवर। तो ये आपका इस रिवर का जो भी नेम होगा उसके नाम पर उस वाटर, उसका वॉटरशेड इसको कहेंगे। तो ये आपका डायग्रामेटिक डायग्राम आल्सो इट इज रिप्रेजेंटिंग इज द प्रेसिपिटेशन एंड फ्रॉम हियर द स्नो मेल्ट एंड ऑल अदर प्रेसिपिटेशन इट इज कमिंग थ्रू दिस दीज चैनल्स एंड इट इज एक्यूमुलेटिंग हेयर इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर रिजर्वर। जैसे हमारा नैनीताल वॉटरशेड है, तो आप देखते हैं कि सारे जो हमारे इधर जितने भी पहाड़ों से घिरा हुआ है, सारा पानी चैनलाइज होके उसी लेक को फेड करता है। ठीक, उसी में आपका इकट्ठा हो जाता है, तो कॉमन बॉडी ऑफ वाटर बनाता है, इसलिए हम उसको कहेंगे नैनीताल वॉटरशेड जितना वो है। और तो फिर इसको हम क्या करते हैं कि जो यही रिसोर्स जो चैनलाइज होके आपका आ रहा है, उसको वहीं के वॉटरशेड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो आपके इनके लिए वाटर कम्युनिटी, जैसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के हैं, उसी को आपका सप्लाई होगी उस पानी की। तो वॉटरशेड की जो फंक्शन है ये है, इट कैन प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी इफ प्रिजर्व, इट कैप्चर वाटर, इट स्टोर वाटर एंड इट आल्सो रिलीजेस वाटर, ये वॉटरशेड। एंड इट्स मेन फंक्शन इट इज टू टेम्परेरली स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस टू द वाटर बॉडी एंड अल्टीमेटली ऑनवर्ड टू द सी। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, पानी जाएगा तो वो जाएगा रिवर में, तो रिवर अल्टीमेटली दूसरी रिवर में मर्ज होगी, या फिर दूसरे जैसे भी वो खुद ही जा रही है तो अल्टीमेटली इट मर्ज विद द ओशन। तो फाइनल जो आपका डेस्टिनी होगी वो होगा ओशन मोस्ट ऑफ द केसेस, अब लेक और पॉन्ड को अगर आप छोड़ दें तो। इसको तो हम कहते हैं वॉटरशेड। अब जो मेथड ऑफ वॉटरशेड मैनेजमेंट है, जैसे कंटूर बंडिंग हो गई आपकी, कंटूर्स आपने बना दिए टू चेक दी इरोजन ऑफ सॉइल एक्सेट्रा एंड ग्रेडिंग बंडिंग और देन चेक डैम, छोटे छोटे जो चेक डैम्स बनाते हैं, जो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर सो दैट इट कैन नॉट ओवरफ्लो और द सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। जैसे लैंड लेवलिंग, अगेन
लैंड स्मूथनिंग, बेंच टेरिसिंग, यू हैव टू मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ टेरिस, फार्म पॉन्ड्स, यू हैव टू मेक स्मॉल पॉन्ड्स. तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पानी को इनफिल्टर करेंगे तो नीचे आपका ग्राउंड वाटर को बढ़ाएगा. तो ग्राउंड वाटर से भी पानी आपका रिचार्ज करेगा जो भी आपका वाटर सोर्स है. एंड पर्कुलेशन पॉन्ड्स, तो छोटे छोटे जो वॉन्ड है उससे पर्कुलेट होकर पानी आपका ग्राउंड वाटर को बढ़ाता है. और वाटर वेज, आपने छोटे छोटे चैनल स्ट्रीम्स बना दिए थ्रू विच दी वाटर कैन रन इजीली, तो वहां से आके वो मिल जाएगा. एंड देन डाइवर्जन ड्रेन्स, जहां पर आपका ज्यादा पानी जैसे फ्लो आ रहा है तो यू कैन डाइवर्ट इट. डाइवर्जन ड्रेन्स आपने बढ़ा दी तो दो में डिवाइड हो जाएगा, तो उसका फ्लो कम हो जाएगा और डैमेज कम हो जाएगा. और उसके बाद जो रेन वाटर, उसके जो अदर प्रोसेस है, जैसे एक सिस्टम आपका इसमें है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप देखेंगे कि ये तो सिंपल एक टेक्निक है, पूरा जितना भी रेन वाटर हो रहा है घर में उसको आपने किसी तरह से स्टोर करके टैंक में लाना है और फिर आप उसको यूज करना है आपने किसी तरह के मतलब वेरियस पर्पजेस के लिए. अब आप ये देखिए इसमें जितना भी पानी आ रहा है, इन्होंने यहाँ पर ये लगा करके आपके कुछ पाइप्स लगा के इसको रिटेन किया और यहाँ से ले जाकर के यहाँ ले जाके इनको एक वाटर टैंक में जमा कर दिया है. ठीक, यहाँ से ले जाके तो वाटर टैंक में कनेक्ट कर दिया है. सारे जितने भी पाइप्स होते हैं घर से रिलेटेड उनको आपने देखा भी होगा, और इस तरह से इन्होंने घर की यहाँ पर भी छोटे छोटे ऐसे ड्रेनेज के लिए इजी हो जाए. तो यहाँ से फिर इनको कन्वर्ट करके यहाँ से ये देखिए ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं, यहाँ ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया, यहाँ चला गया, एक छोटा टैंक बना कर फिर बड़ा टैंक, और इस वाटर को ये यूज कर रहे. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा और टैंक बना के वो जो धीरे धीरे आपका परकोलेशन के लिए यूज होगा तो ग्राउंड वाटर को भी बढ़ाएगा. अभी भी गार्डनिंग में यूज हो रहा है, टॉयलेट, डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन एंड फ्लशिंग के लिए हो रहा है, कार वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है. तो यू कैन यूज दिस रेन वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस. तो इट इज अ सिंपल टेक्निक. इसमें आप देख सकते हैं ये घर की जो छत में से इन्होंने पूरा कलेक्ट किया, एक टैंक बना दिया, दे आर यूजिंग इट फॉर इरीगेशन पर्पज. तो इस तरह से आप घर के मतलब एक किसी भी घर में रेन वाटर को आपने किसी तरह से स्टोर करना है, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मतलब रेन वाटर को किसी तरह आपने स्टोर करके आप फिर आपको यूटिलाइज करना है. और फिर आपके टू सेव वाटर यू कैन यूज द डिफरेंट टेक्निक्स. तो इसमें आपके देखिए माइक्रो जो आपकी माइक्रो इरिगेशन है, तो इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे पाइप्स जो है उनको जहां पर भी आपने प्लांटेशन किया हुआ है उनके थ्रू आपने पूरे फील्ड में रन करेंगे और जहां जहां पर प्लांट है वहां पर उसमें एक छोटा छोटा ड्रिपिंग पॉइंट बना देते हैं, तो ताकि उसी प्लांट के आसपास पानी गिरता रहे और वाटर लॉस ना हो, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन. और ये आपने स्प्रिंकलर्स लगा दिए तो दे विल कवर अ लार्ज एरिया. तो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर होगी तो ज्यादा वाटर आपका इसमें खत्म नहीं होगा. तो ये आपका जैसे शो कर रहा है ड्राउट के लिए कंडीशन में अगर आप इस तरह की ड्रिपिंग लगाएंगे, और उससे क्या होगा कि ज्यादा पानी नहीं पड़ेगा तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा. इसमें भी है जैसे छोटे छोटे इन्होंने दोनों तरफ को इसमें छोटे छोटे यहाँ पर ड्रिपिंग पॉइंट्स बना दिए हैं लंबी है उससे, तो इस तरह से करें. और इसमें भी आप देखिए स्प्रिंकलिंग के थ्रू इन्होंने वाटर स्टोर करके यहाँ पर ये छोटे छोटे ये आते हुए दिख रहे हैं, वाटर स्टोर करके फिर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस कर रहे हैं इस तरह से. तो माइक्रो इरीगेशन टेक्निक्स है इसकी. तो इसका जो एग्जाम्पल एक है जैसे पानी पंचायत, तो पानी पंचायत है ए मॉडल ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. कैसे ग्राउंड वाटर को यू कैन मैनेज. तो इसमें इट इज द फर्स्ट गिवन मूव द इट इज अ नेम विच इज फर्स्ट गिवन टू अ मूवमेंट बाय मिस्टर विलास राव सालुंके फॉर मोटिवेटिंग फार्मर्स ऑफ द नाईगांव विलेज ऑफ द ड्राउट प्रोन द पुराना धार टाकुला ऑफ द महाराष्ट्र इन 1974. And the government inability to deal with the drought situation, motivated him to take 40-acre land on lease from the village people trust temple. Sorry, village temple trust. So, उन्होंने क्या किया? Village temple trust से 40-acre land trust पे अपनी lease पे ली and develop a recharge pond in the recharge area of the village and a dug well in the discharge zone and a lift irrigation system. उस तरह से उन्होंने मतलब एक वाटर को कंजर्व करके कंजर्वेशन की एक टेक्निक को उन्होंने डेवलप किया. और बाद में जो जब उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप कर लिया तो फार्मर्स दे गॉट इम्प्रेस्ड विद द रिजल्ट डिमांडिंग अ स्केल अप ऑफ द एक्सपेरिमेंट लीडिंग टू द सेटिंग अप ऑफ अ ग्राम गौरव प्रतिष्ठान.
उन्होंने बनाया थ्रू विच द वर्क वॉज एक्सपेंडेड टू एनकम्पास बोथ ग्राउंड वाटर एंड सर्फेस वाटर मैनेजमेंट. फिर धीरे धीरे उन्होंने दोनों तरह के वाटर को मैनेज करके जो आपका पूरा विलेज का एक जो मतलब प्रोडक्टिविटी थी उसको बहुत बढ़ा दिया. तो जैसे पानी पंचायत के जो प्रिंसिपल्स थे, इट कवर्स इक्विटी, माने सबको मिलेगा, डिमांड मैनेजमेंट, राइट ऑफ लैंडलेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मेन प्रोसेस इसमें. जैसे उसमें उन्होंने ये आप देख सकते हैं, इस तरह से उन्होंने जगह जगह ऐसे वाटर टैंक बनाए हैं सरफेस वाटर के लिए. तो उसके बाद ये देखिए, पहले उनकी लैंड ऐसी थी ड्राउट से जो प्रोन एरिया था, आज उनकी यहाँ प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है.